रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूएस में रेट कट के बाद स्टॉक मार्केट गिर सकते हैं, ये स्टेटमेंट सुनकर कुछ लोगों को काफ़ी आश्चर्य लग रहा होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये है कि जब रेट कट स्टार्ट होगा तो उसके कारण स्टॉक मार्केट और भी तेज़ी से ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि स्टॉक मार्केट ऊपर क्यों जा सकता है रेट कट होने के बाद, उसके बाद जानेंगे कि गिरने के चांसेस क्यों हैं। तो देखिए, जब भी रेट कट होगा यूएस में तो यूएस में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो रेट कट जब होगा तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो अभी काफ़ी पैसा वहाँ पे डेट में इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड इनकम ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जैसे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है क्योंकि रेट थोड़ा ज़्यादा है। तो वहाँ जब रेट कम होने लगेगा तो वहाँ से कुछ पैसा बाहर निकलेगा, पूरा पैसा नहीं निकलेगा, डेट में ही ज़्यादातर पैसा रहेगा, थोड़ा पैसा बाहर निकलेगा, देखेंगे कि भाई बहुत कम रिटर्न्स मिल रहा है तो कहीं और चलते हैं। तो वो जो पैसा बाहर निकलेगा वो कुछ इक्विटीज़ में इन्वेस्ट होगा, कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट होगा। तो यहाँ पर जो इक्विटी में इन्वेस्ट होगा तो इक्विटी का पैसा इमर्जिंग मार्केट्स में भी थोड़ा आएगा, थोड़ा हाई रिटर्न के एक्सपेक्टेशन के साथ। और इमर्जिंग मार्केट में इंडियन मार्केट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है क्योंकि हमारा इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रहा है, तो इसीलिए एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि भाई जब ये रेट कट होगा तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए अच्छा होगा। अब जान लेते हैं कि यूएस में रेट कट के बाद स्टॉक मार्केट क्यों गिर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम हिस्ट्री देख लेते हैं, पास्ट में क्या हुआ है, जब जब रेट कट हुआ है तो उस समय स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, इससे एक अच्छा इंडिकेशन मिल जाएगा। देखिए, पास्ट का अगर आप 3 रेट कट्स देखेंगे ना, यूएस का पास्ट 3 रेट कट्स, उस समय निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसा था, तो इन 3 रेट कट्स में 2 बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी बुरी तरह से गिरा है और एक बार निफ्टी लगभग फ्लैट रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं 2001 का रेट कट, उस समय निफ्टी 25% के लगभग गिरा था, उस समय रेट कट के वन ईयर के अंदर 25%। उसके बाद 2007-2008 आपको याद होगा बहुत बड़ा रिसेशन आया था, उस समय प्रॉब्लम बहुत हुआ था। तो उस समय के पीरियड में ना शुरू में तो निफ्टी 30% से ऊपर गया था, लेकिन उसके बाद जब रिसेशन का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे निफ्टी 60% से गिरा था। और उसके बाद 2019 तो यहाँ पे निफ्टी फ्लैट रहा था। तो देखिए, हिस्ट्री देखेंगे तो वहाँ से भी इंडिकेशन मिलता है कि रेट कट के बाद हो सकता है कि स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा गिरावट आ सकता है। न्यूयॉर्क फेड का अगर आप प्रोबेबिलिटी मॉडल देखेंगे तो उसके अनुसार नेक्स्ट 12 मंथ्स में यूएस में रिसेशन आने का चांसेस है 61.8%, और ये जो प्रोबेबिलिटी है वो 1980 के बाद सबसे ज़्यादा है। और हमें पता है कि 1980 के बाद कई बार रिसेशन आ चुका है, तो उन सारे पीरियड्स में फ़िलहाल रिसेशन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद 2025 में रिसेशन आ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लें आपके कंफर्ट के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि भाई जब रेट कट हो रहा है तो रिसेशन क्यों आएगा। जब इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो मोस्टली जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाने चाहिए, इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट आना चाहिए, तो स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाएगा। देखिए, यहाँ पे ये समझना होगा ना कि जब भी रेट कट होता है तो उसका जो इफ़ेक्ट आएगा, जो फ़र्क पड़ेगा, वो कई महीने बाद होगा, इमीडिएटली नहीं होगा। तो इकोनॉमी में आप हमेशा ध्यान में रखें कि आरबीआई जब भी कुछ करेगा, लेकिन इंडियन इकोनॉमी में आरबीआई है या फिर यूएस इकोनॉमी के लिए फेड करेगा वहाँ का सेंट्रल बैंक, तो ये जो भी कदम उठाते हैं ना उसका असर होने में टाइम लगता है, इमीडिएटली नहीं होता है। लाइक अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो वहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो इन्फ्लेशन तुरंत कम नहीं होता है, उस कम होने में कई महीनों लग जाते हैं, साल लग जाता है। लाइक यूएस में जब आपने देखा होगा ना कि इंटरेस्ट रेट कोविड के बाद इंटरेस्ट रेट तेज़ी से कम हुआ, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन तुरंत बढ़ गया था, वहाँ जो हाईएस्ट इन्फ्लेशन आया था 9.1% का यूएस में, वो मिड 2022 में आया था, बहुत टाइम लगा इन्फ्लेशन ऊपर जाने में। उसके बाद उन्होंने ना रेट हाइक करना शुरू किया, रेट हाइक के कारण भी इमीडिएटली इन्फ्लेशन कम नहीं हुआ, इन्फ्लेशन काफ़ी समय तक काफ़ी ऊपर रहा, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगा, अभी भी 2% से तो ऊपर ही, ऐसा नहीं कि 2% के आसपास आ गया है। तो यहाँ पे डर इस बात का है कि जो वेरी हाई इंटरेस्ट रेट रहा है ना, 5.25 से 5.5% का इंटरेस्ट रेट फिलहाल यूएस में है लास्ट 14 मंथ से, तो ये बहुत लंबे पीरियड से इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो हाई इंटरेस्ट रेट का जो असर है, नेगेटिव असर है, वो आने वाले कई महीनों तक बना रहेगा। सो इवन इफ यूएस फेड इंटरेस्ट रेट कट करेगा नियर फ्यूचर में, उसके बाद भी ये जो नेगेटिव असर है आने वाले लंबे समय तक, लाइक काफ़ी महीनों तक बना रहेगा। इसीलिए मार्केट को इस बात का डर है कि ये जो इसका नेगेटिव असर है नेक्स्ट ईयर कहीं वो ट्रांसलेट कर
रिसेशन में ना बदल जाए। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स है कि रिसेशन आएगा कैसे, मतलब ये सही है कि इंटरेस्ट रेट हाई है उसका निगेटिव असर पड़ेगा, लेकिन कैसे आएगा? तो देखिए, सबसे पहले तो रिसेशन का जो डर आता है वो आता है हाउसिंग मार्केट से। आपको पता है ना कि जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम होते हैं तो काफ़ी लोग लोन लेते हैं, लोन लेकर उन्होंने घर खरीद लिया। मतलब मान लीजिए कि हमें 1 करोड़ का घर लेना है लेकिन बहुत सस्ते रेट पे लोन मिल रहा है, तो कई बार हम 1.5 करोड़, कभी कभी 2 करोड़ का लोन ले लिए, क्योंकि बहुत कम है ना, 2-3% पे लोन मिला, चलो ठीक है थोड़ा ज़्यादा ले लिया लोन। तो वहाँ पे जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगता है ना, तो ईएमआई तो आपका बढ़ेगा, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो फिर आपको ईएमआई चुकाने में प्रॉब्लम आने लगता है। इसीलिए हाउसिंग जो मार्केट है ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो जब जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं या फिर कंपनीज हैं जिन्होंने लोन पे पैसा उठाया हुआ है, वहाँ पे जब उनका ईएमआई अमाउंट लगातार बढ़ रहा है काफ़ी लंबे समय, थोड़ा बहुत पीरियड तो झेल लेंगे लेकिन लंबे समय तक उसे झेलना मुश्किल होगा, तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट होने लगेंगे। तो मान लीजिए इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जब डिफ़ॉल्ट करेंगे तो वहाँ पे जिन भी बैंक से लिया है उन्होंने लोन या जहाँ से भी लिया है वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा। तो यहाँ पे कई कंपनीज़ में भी प्रॉब्लम आ सकता है, अगर बड़ी बड़ी कंपनीज में प्रॉब्लम आने लगा तो बिल्कुल वहाँ पे इकोनॉमी है वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, वहाँ पे रिसेशन आ सकता है। इसके साथ ही वहाँ पे लेबर मार्केट का अगर आपने डेटा देखा हो ना, अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन पहले के मुकाबले वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे डर ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि अचानक आने वाले महीनों में वो कहीं बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, अगर वो हुआ फिर से पूरा इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा मतलब कि क्या हुआ कि लोगों के पास नौकरी कम है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो वहाँ पे स्पेंडिंग पावर कम होगा, स्पेंडिंग तो लोग कम खरीदेंगे सामान, उसके कारण कंपनीज़ में प्रॉब्लम आएगा, ओवरऑल इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ जाएगा, ये भी प्रॉब्लम है। इसके बाद एक और प्रॉब्लम क्या है यूएस में कि वहाँ की अगर आप टेक्नोलॉजी कंपनीज़ का प्राइसेस देखेंगे, स्टॉक प्राइस, तो पिछले कुछ सालों से बहुत तेज़ी से ऊपर गया है, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत था मार्केट में ना, तो पूरा पैसा वहाँ गया है, बहुत ज़्यादा पैसा। एनवीडिया का ही आप परफॉर्मेंस देख लेना पिछले कुछ समय से, एप्पल का परफॉर्मेंस देख लें, माइक्रोसॉफ्ट का परफॉर्मेंस देख लें, गोडैडी का परफॉर्मेंस देख लें, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर गया है। तो इन सभी जगह भी यू नेवर नो ना, जैसे अभी तो परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है, चलता रहेगा, लेकिन अगर इनका परफॉर्मेंस थोड़ा भी हिट होता है तो वहाँ पे बहुत तेज़ी से ये स्टॉक्स गिर सकते हैं। अभी तक हमने समझ लिया कि अगर यूएस में रेट कट होता है तो उसके कारण स्टॉक मार्केट क्यों ऊपर जा सकता है, और साथ ही हमने ये भी समझ लिया कि किन केसेस में स्टॉक मार्केट गिर भी सकता है। अब हम जान लेते हैं कि आने वाले समय में यूएस फेडरल रिजर्व क्या कदम उठा सकता है जिसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट से आप अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं। तो देखिए, यूएस फेड रिजर्व का मीटिंग है 17th और 18th, मतलब कि आज भी मीटिंग है और कल भी मीटिंग है। तो ये जो रेट कट का डिसीजन होगा वो कल होगा, तो कल जब ये डिसीजन होगा तो ऑफकोर्स ये रात में होगा, तो थर्सडे के मार्केट पे उसका असर पड़ेगा, थर्सडे जब मार्केट खुलेगा, तो इंडियन मार्केट्स की बात मैं बोल रहा हूँ। तो अब देखिए, फिलहाल अगर आप देखें तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं, एक्सपर्ट्स जो भी होते हैं, उनका 100% फिलहाल अगर मानना है कि भाई 100% लोग इस बात पे एटलीस्ट एश्योर्ड हैं कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट तो होगा ही, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन फिलहाल मार्केट में नहीं है। लेकिन साथ ही पहले अगर 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट का प्रोबेबिलिटी देखते ना, तो वो 30% के आसपास था। 30% लोगों को लग रहा था कि 25 तो होगा ही, लेकिन 30% लोगों को लग रहा था कि नहीं भाई 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट भी हो सकता है। लेकिन लास्ट 1 वीक में ये प्रोबेबिलिटी 30% से बढ़कर 60% हो गया है। तो 60% लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि भाई रेट कट जो है, 25% तो 100% लोगों को लगता है, लेकिन 60% लोगों को ये भी लग रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट्स की जगह पे 50 बेसिस पॉइंट्स रेट कट हो सकता है। ऐसा क्यों लग रहा है? ऑफ कोर्स इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रिसेशन का डर है वहाँ पे नेक्स्ट ईयर में, इसीलिए लोगों को लगता है कि फेड जल्दी से जल्दी थोड़ा ज़्यादा रेट कट करेगा ताकि रिसेशन आने के चांसेस को कम किया जा सके और यूएस इकोनॉमी में सॉफ्ट लैंडिंग हो। तो देखिए, अगर 25 बेसिस पॉइंट रेट कट होता है यूएस में तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टॉक मार्केट्स पे, मतलब है तो पॉजिटिव न्यूज़ एक तरह से, लेकिन क्यों? क्योंकि देखिए, इसे ऑलरेडी मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है। मैंने पहले कई बार आप लोगों को बताया कि स्टॉक मार्केट पहले ही ज़्यादातर चीज़ों को डिस्काउंट कर लेता है, तो ऐसा नहीं कि इवेंट होने के बाद वहाँ पे कोई ना रिएक्शन आएगा। तो अगर पहले से सबको पता है, जैसे मैंने बोला 100% लोग मानकर चल रहे हैं 25 बेसिस पॉइंट, तब तो मार्केट ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका है ना। लेकिन हाँ, अगर 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आता है जिसके चांसेस कम है, लेकिन मान लीजिए आता है, तो वहाँ पे मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है। और ऑफ कोर्स
50 बेसिस पॉइंट जब रेट कट करेगा तो एक तो है कि पॉजिटिव है कि चलो ज़्यादा रेट कट करा है, लेकिन थोड़ा निगेटिव वहाँ पे ये भी हो सकता है ना कि लोगों को लगेगा कि नहीं फेड रिजर्व को लग रहा है कि शायद रिसेशन आने वाला है इसीलिए रेट कट ज़्यादा कर रहा है, तो वो एक निगेटिव भी आ जाएगा। तो मार्केट तो ऐसे ही मूव करता है, यू नेवर नो। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि फेड रिजर्व का ये 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है मार्केट के लिए। मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि यहाँ से फेड रिजर्व क्या करने वाला है, उनका कमेंट्री किस तरह का आता है। तो अगर कमेंट्री आता है कि नहीं ये तो अभी हमने स्टार्ट किया लेकिन आने वाले समय में काफ़ी तेजी से और रेट कट कर सकते हैं, इस साल का पहले उन्होंने बोला था ना 75 बेसिस पॉइंट रेट कट, अगर वो बोल देते कि नहीं 100 या फिर 125 बेसिस पॉइंट का रेट कट करेंगे इसी साल, तो उसे मार्केट काफ़ी पॉजिटिवली लेगा। तो यहाँ पर इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। तो कल भी जो कमेंट्री आता है उस पर ये चीजें हमें समझना होगा। तो देखिए यूएस में कितना रेट कट हो सकता है इसके बारे में आपको क्लैरिटी देता हूं। तो देखिए जो रियल रेट होता है ना, रियल रेट का मतलब क्या हुआ कि जो सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट है और इन्फ्लेशन का रेट है उसका डिफरेंस जो है वो 1% के आसपास डेवलप्ड कंट्रीज में रहना चाहिए रफली। और जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है तो यहाँ पे 1% से लेके 1.5% के आसपास का अच्छा माना जाएगा, 1.5% भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल है रियल रेट, तो वो अच्छा माना जाएगा। तो वहाँ पे इन्फ्लेशन का टारगेट है 2% का यूएस में, तो उस तरह से वहाँ का जो रेट है तो 3% के आसपास होना चाहिए। फिलहाल वहाँ पे रेट क्या है 5.25% से लेके 5.5%। तो यहाँ से टोटल जो रेट कट है कितना होगा वो तो ऑफकोर्स देखना होगा, लेकिन कितना हो सकता है वो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ से 225 बेसिस पॉइंट से लेके 250 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट यूएस में हो सकता है, दैट इज़ 2.25% से लेके 2.5% तक का रेट कट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ रेट कट इस साल होगा और जो बाकी का बचा है वो नेक्स्ट ईयर होगा। तो इस साल तो अबाउट 100 बेसिस पॉइंट्स ना, 75-100 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट अभी तक लगता है, कमेंट्री सुनने के बाद ऑफकोर्स हमें देखना होगा, अभी तक लगता है कि 75-100 बेसिस पॉइंट रेट कट इसी साल हो जाएगा और बाकी का जो रेट कट है वो नेक्स्ट ईयर होगा। देखिए यहाँ पे तो अभी फिलहाल पॉजिटिविटी है, अगर ज़्यादा रेट कट होता है और यूएस में सॉफ्ट लैंडिंग हो जाता है, रिसेशन जैसा खतरा नहीं आता है, तब तो मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। हाँ, बट अगर रिसेशन आया तब तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही। और उसके बाद अगर आप इंडियन मार्केट्स को देखेंगे ना, तो देखिए इंडिया में अगर आप देखें तो जो फर्स्ट क्वार्टर का GDP ग्रोथ रेट आया है वो ज़्यादा नहीं आया है, मतलब एक्सपेक्टेशन से कम आया है। लेकिन हाँ, उसका रीज़न है इलेक्शंस में आपको पता है गवर्नमेंट का ज़्यादातर काम ठप हो जाता है, लेकिन सेकेंड क्वार्टर से मोस्टली परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। तो यहाँ पर अगर GDP नंबर्स इंडिया का सेकेंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर में भी अगर हिट होने लगता है ना, कम आने लगता है, क्योंकि RBI ने तो बोला है एनुअल 7.2%, उससे अगर लगता है कम आने लगेगा और US ने इंटरेस्ट रेट कट स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ पे RBI पे भी प्रेशर पड़ेगा इंटरेस्ट रेट कट करने का। देखिए अभी तक RBI के पास कंफर्ट रहा है ना कि इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है और साथ ही GDP ग्रोथ रेट भी अच्छा आ रहा है, इसलिए RBI रेट कट की बात ही नहीं बोल रहा है इंडिया में। लेकिन अगर इंडिया में जो GDP ग्रोथ रेट है वो 7% से नीचे आने लगेगा ना, तो वहाँ पे RBI पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा कि भाई इन्फ्लेशन तो कम हो रहा है, तुम भी रेट कट करो। सो लेट्स सी, अभी तक तो ये लगता है कि इस साल मुश्किल है रेट कट। अगर GDP के नंबर्स में प्रॉब्लम आया तो इसी साल रेट कट आएगा, अगर GDP का नंबर अच्छा खासा आता रहा तो शायद नेक्स्ट ईयर शुरू से हमारे यहाँ भी रेट कट स्टार्ट होगा। तो वो देखना होगा GDP का नंबर्स कैसा आता है, प्लस दूसरे जो पैरामीटर्स हैं इन्फ्लेशन या फिर दूसरे नंबर्स वो कैसे आते हैं। अब जान लेते हैं कि इंडिया में कितना रेट कट हो सकता है। तो देखिए इंडिया में इन्फ्लेशन का टारगेट क्या है, 4% का टारगेट है और रियल रेट 1.5% के आसपास डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाएगा। तो 4+1.5% मतलब 5.5%। तो RBI कोशिश करेगा कि जो रेपो रेट है उसे 5.5% तक लाया जाए। तो फिलहाल हमारा रेपो रेट कितना है, 6.5%। तो यहाँ से आप 100-150 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया में, मतलब 5% to 5.5% का रेंज हमारा हो सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन का टारगेट 4% है 4% का। तो हम ट्राई करेंगे कि जो रेपो रेट है वो 5-5.5% के आसपास रख सकते हैं। ऑफकोर्स इन्फ्लेशन पर डिपेंड करेगा, अगर वो और भी कम हो जाता है तो रेट कट और भी कम, मतलब रेट कट और भी ज़्यादा हो सकता है, बट फिलहाल 100 टू 100
50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट, बट मोस्टली ज़्यादातर नेक्स्ट ईयर ही होगा। तो इंडिया में ये है। देखिए इंडिया के लिए एक और बहुत पॉजिटिव न्यूज़ क्या हो रहा है ना कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो बहुत तेज़ी से नीचे गए हैं। उसका रीज़न ऑफकोर्स बहुत बड़ा रीज़न है चाइना। चाइना में डिफ्लेशन चल रहा है ना, इकोनॉमी बुरी तरह से हिट हुआ है और चाइना में ऑयल का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है। तो अगर चाइनीज़ इकोनॉमी में स्लो डाउन चल रहा है, स्लो हो रहा है, तो ऑफकोर्स ऑयल का जो डिमांड है थोड़ा कम होगा। उसके कारण ऑयल मार्केट में जो प्राइस है उस पर प्रेशर पड़ रहा है। और US को भी लेके भी थोड़ा बहुत कभी कभी डर लगता है कि कहीं वहाँ भी रिसेशन ना आ जाए, तो ऑयल के प्राइस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इसीलिए $70 के आसपास आ गया है ना पर बैरल, अगर आप ब्रेंट क्रूड का प्राइस देखें 70-71 के आसपास चल रहा है। और RBI ने टारगेट रखा था इस फाइनेंशियल ईयर का ऑयल प्राइस का $85, तो आप समझ सकते हैं ये $15 कम पे चल रहा है। तो ऑलमोस्ट 80% तो हम इंपोर्ट करते हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट अपना, एनर्जी रिक्वायरमेंट का जो ऑयल है या फिर गैस है। तो यहाँ पे अगर ऑयल इतना कम हो जाता है तो जो भी हम ना US डॉलर्स बाहर खर्च करते हैं ऑयल ख़रीदने के लिए, उसमें कितना ज़्यादा सेविंग्स आएगा। तो यहाँ पे एक फिगर है कि एवरी $10 जब भी प्राइस कम होता है ना, तो इंडिया को $12 बिलियन का फायदा होता है। $12 बिलियन। नाउ जान लेते हैं कि इस तरह के मार्केट कंडीशन में रिटेल इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो देखिए मैं अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, मोस्टली उससे आपको कुछ गाइडेंस मिलेगा। तो देखिए मेरा म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स दोनों में इन्वेस्टमेंट है। म्यूचुअल फंड्स में मैं कभी भी कोई चेंजेस नहीं करता हूँ। मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, डजेंट मैटर। वो इसलिए क्योंकि मेरा जो रिस्क प्रोफाइल है वो एग्रेसिव है, दैट इज़ मैं बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ। और मेरा जो गोल है जिसके कारण म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो 10 ईयर के बाद आने वाला है। तो ये जो इवेंट्स होते हैं ना, इलेक्शंस है, इंटरेस्ट रेट मूवमेंट है, इसके कारण लॉन्ग टर्म गोल का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो उसमें चेंजेस नहीं करने चाहिए। ऑफकोर्स रीबैलेंसिंग आपको ऑफकोर्स करना चाहिए। देखिए आपने डिसाइड किया था कि आप इक्विटी में रखेंगे 70%, डेट में रखेंगे 30%, तो उसके बाद स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर से ऊपर चला गया, अब आपका एलोकेशन बिल्कुल अलग हो गया, अब इक्विटी का एलोकेशन 90% चला गया और डेट का सिर्फ 10% है। तो वहाँ तो रीबैलेंसिंग आप करेंगे ना, इक्विटी को फिर से 70 लाएंगे, डेट को 30 ले जाने की कोशिश। वो बात बिल्कुल सही है, वो आपको करना है, वो मैं भी ध्यान देता हूं। लेकिन लॉन्ग टर्म का जो पैसा है वहां पे इन इवेंट्स के कारण हमें चेंजेस नहीं करने चाहिए ना। जैसे मेरा SIP चल रहा है, STP चल रहा है, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, वहां पे मैं चेंजेस नहीं करता। ऑफकोर्स लमसम शायद मैं यहां पर नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्यों? देखिए लार्ज कैप में तो थोड़ा बहुत फिर भी मैं सोच सकता हूं, लेकिन मिड और स्मॉल कैप में तो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है ना। कोविड के बाद ऑलमोस्ट 4 ईयर से स्टॉक मार्केट गिरा ही नहीं है इंडिया का। अब ह्यूज रिटर्न्स, मतलब कोविड आया था 2020 में भी लास्ट तक अच्छा खासा रिटर्न आ गया, 21 में अच्छा खासा रिटर्न आ गया, 22 में मार्केट फ्लैट रहा, 23 में फिर से अच्छा रिटर्न, 24 में फिर से अच्छा रिटर्न। तो उसके कारण जो वैल्यूएशंस है खासकर मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा हो गया। तो वहाँ पे मतलब आप लोगों का हमेशा क्वेरी आता है लमसम, मतलब पर्सनली अगर मुझे करना है तो मैं तो सोच ही नहीं सकता हूँ। अगर SIP चल रहा है तो बहुत अच्छा, और नहीं तो 6 मंथ्स का STP सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान वो बेस्ट है। हाँ, किसी का अगर ना 1-2 साल के बाद ही गोल आने वाला है वो अलग बात है, तब तो आप कोशिश करेंगे कि पैसा निकाले, वो अलग चीज़ है। लेकिन 10 ईयर्स 20 ईयर्स के लिए तो वहाँ पर तो मतलब नहीं बनता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है, किसी का अगर स्टॉक पोर्टफोलियो है तो वहाँ आप थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। स्टॉक में भी अगर अच्छे क्वालिटी का स्टॉक है तो देखिए वो गिरेगा फिर वापस आ जाएगा, हमेशा ध्यान में रखें, ठीक है। लेकिन हाँ, कोई घटिया क्वालिटी का अगर स्टॉक है तो उस तरह का स्टॉक है तो ऑफकोर्स हमें उस तरह के स्टॉक से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो गिरा तो फिर वापस आना मुश्किल है। तो अगर अच्छे क्वालिटी का सब कुछ है आपके यहाँ तो देखिए गिरना, देखिए रिसेशन के चांसेस तो हैं लेकिन बहुत कम है। लाइक लास्ट फ्यू वीडियोज़ में भी आपको मैंने आपको बताया ना कि चांसेस कम है, क्योंकि ओवरऑल अगर जो भी कंडीशंस चल रहे हैं ना तो पहले के मुकाबले अच्छा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है US में। लेकिन हाँ, आपको पता है कि नेवर नो ऑल ऑफ अ सडन कहाँ से क्या हो जाएगा आने वाले कुछ महीनों में। तो इसीलिए हमेशा मान के चलना चाहिए कि भाई 5-10% का रिस्क तो है, लेकिन वही है कि जब हम अपना प्लान बनाते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान तो 5-10% पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। हमारा ध्यान होना चाहिए कि भाई 80-90% चांस क्या है। तो उस तरह से तो 80-90% चांस है कि ठीक ठाक रहेगा और इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रहा है। US मार्केट अगर गिरता भी है तो उसके कारण ऑफकोर्स इंडियन मार्केट गिरेगा, लेकिन वो कोई बहुत लंबे समय तक नहीं गिरेगा, कुछ समय तक ही गिरेगा, उसके बाद वहाँ से रिकवरी भी आएगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, रिस्क एपेटाइट आपका है, मतलब आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो इस तरह के इवेंट्स के कारण कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें पोर्टफोलियो में नहीं करना चाहिए। इसी तरह का इन्वेस्टमेंट अप्रोच
मैं अपनाता हूँ। ऑफकोर्स आप क्या कर सकते हैं या फिर आपको क्या करना चाहिए, ये डिपेंड करेगा आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क प्रोफाइल पे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।